पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये कट्टर इस्लामिक संगठन है, आतंकी संगठन है, यूएन ने बैन कर रखा है, फिर भी इसके आतंकी पाकिस्तान भेज रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सेना को आतंकवादियों का सफाया करने में 2 दिन क्यों लग गए। दरअसल आतंकी जिस बट्टल इलाके में छिपे थे, मैं आपको वो इलाका मानचित्र पर दिखाना चाहता हूं। यहां पर बट्टल में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसी शिव मंदिर के पास, कई लोग कह रहे हैं मंदिर के अंदर इन आतंकवादियों ने पनाह ली। न केवल मंदिर में पनाह ली बल्कि मंदिर में तोड़फोड़ की इन्होंने, ये घना जंगल का इलाका है। सेना ने सारी बातों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन शुरू किया, ड्रोन वहां भेजा उस इलाके में। आप देख सकते हैं जंगली इलाका है, बहुत घने जंगल है। ये देखिए ये जो मैप है, ये पहाड़, ये रास्ते, सकरी पगडंडियां हैं, और इसमें आतंकी कहां छिपे होंगे, कहां से आप पर वार करेंगे, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। और इसीलिए पहले ड्रोन भेजा गया, साफ हुआ कि आतंकी एक मारा जा चुका है, एक घायल होने की भी खबर थी, लेकिन बाकी 2 आतंकवादियों की पहले टोह ली गई, फिर पता किया वो कहां है। आज सवेरे फिर इनकाउंटर शुरू हुआ और सेना ने तब तक चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया था, और फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ जो कहते हैं, हायर ग्राउंड पे भी सेना थी, नीचे भी सेना थी, और सेना ने 2 तरफ से वार करते हुए आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में, आतंकवादियों का काम तमाम करने में, सेना ने अपने एक जाबाज खोजी कुत्ते को, डॉग स्क्वाड का एक सदस्य फैंटम को गंवा दिया। व्हाइट नाइट कोर ने एक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया कि जैसे ही हमारे, जिस तरह से हमारे सैनिक आतंकवादियों के वो करीब पहुंच रहे थे, फैंटम ने दुश्मन की गोलियों की परवाह करते बिना वो किस तरह से उसने तेजी से वो आतंकवादियों के पास गया और आतंकवादियों ने उस पर गोली चला दी। उसकी कोशिश ये थी कि वो आतंकवादियों को काट ले, उनको रोक ले, ताकि उसका जो डॉग हैंडलर है या जो भारतीय सेना के लोग हैं उन पर वो गोलियां ना चला सके, लेकिन आतंकवादियों ने उस पर गोली चला दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी और उसके समर्पण को भारतीय सेना कभी भुला नहीं सकती। फैंटम का डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी बात करें तो 25 मई 2020 को उसका जन्म हुआ था, 12 अगस्त 2022 को वो आर्मी का, भारतीय सेना का सदस्य बना था। इस तरह अपने जवानों की जान बचाते हुए, दुश्मन के हाथों शहीद होते वक्त, अगर उसकी उम्र की बात करें तो महज 4 वर्ष की आयु थी इस टोही खोजी कुत्ते की, जो भारतीय सेना का एक सदस्य था।